सो हेलो गाइज, मेरा नाम है शिवांकर और यार आप लोग देख रहे हैं शिवा हिंदी टेक। और यार आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक के बारे में बात करूँ जिसके बारे में काफ़ी लोग बात करते हैं, वर्डप्रेस और ब्लॉगर में क्या डिफरेंस है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कि यार वर्डप्रेस और ब्लॉगर में क्या डिफरेंस है। तो मतलब मैं आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ और एक बड़ी से बड़ी चीज़ बताऊंगा, बेनिफिट क्या है, दोनों के कुछ प्रॉज है, कुछ कॉन्स है, कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेजेस। तो क्या वो एडवांटेज है जो आप जिसका फ़ायदा उठा सकते हो, और डिसएडवांटेजेस क्या है जिसका आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपके लिए बेस्ट कौन सा हो सकता है। तो मैं आज आपको वो सब चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताओ कोई भी क्वेरी होती है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लूँ ब्लॉगर और वर्डप्रेस। जो ब्लॉगर में हम वेबसाइट बनाते हैं वो पूरी की पूरी फ्री होती है, बस उसमें आपको सिर्फ कॉस्ट लगती है डोमेन नेम की। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि यार सब डोमेन आप लोगों को सबको पता होगा, वर्डप्रेस का भी सब डोमेन होता है wordpress.com जिसके आगे लगा होता है, और blogspot.com ये होता है ब्लॉगर का, अगर आपको फ्री में क्रिएट करनी है तो। लेकिन आप चाहते हो कि यार आपको अपना खुद का डोमेन नेम लेना है, उसके बाद आप डायरेक्टली वर्ड ब्लॉगर में होस्ट कर सकते हो, आपको किसी भी चीज़ का पैसा नहीं देना पड़ेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज ये आपको ब्लॉगर में देखने को मिल जाता है, यार आपको कहीं भी कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा ब्लॉगर में। ये पहला है, सिर्फ आपको डोमेन नेम यानी कि जो आप नाम रजिस्टर कर रहे हैं उसका पैसा देना पड़ेगा, दैट्स ऑल। बट अगर आप वर्डप्रेस में क्रिएट करते हैं तो आपको नाम का भी पैसा देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको जो आप होस्ट कर रहे हैं यानी कि जिसके ऊपर आपने वेबसाइट को लिया है यानी कि होस्टिंग ली है अपने, उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। तो उसके अराउंड प्राइस 2000-3000 के करीब करीब मिल जाता है। और अगर आप होस्टिंग बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी 40% डिस्काउंट में मिल रही है तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट। अब काफ़ी लोग बोलते हैं यार कि हमारी वेबसाइट पर बहुत सारा ट्रैफिक आएगा तो हम कैसे हैंडल करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट, आपको लगता है आपका नीश कोई ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब लॉट ऑफ ट्रैफिक है, मतलब मिलियंस में ट्रैफिक है, बिलियन में ट्रैफिक आपको मिलने वाला है, पोस्ट कर लीजिए जो न्यू ईयर की वेबसाइट हो गई। इस टाइप की वेबसाइट में बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक मिलता है, 50-50 लाख तक ट्रैफिक चले जाता है। अगर आपने बहुत अच्छे से काम किया है तो आपको वर्ल्ड वाइड का 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख ट्रैफिक आराम से मिल जाता है। और अगर यार आपके पास वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस की अगर आपने नॉर्मल होस्टिंग ली है यानी कि शेयर्ड होस्टिंग ली है जिसे कॉस्ट 2000-3000 के अराउंड पड़ती है, तो आप अगर उस पर इतने हाई ट्रैफिक के साथ काम करते हो तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी 10-20 हज़ार के लाइव ट्रैफिक में, मैक्स टू मैक्स 10 हज़ार तक झेल पाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली डाउन होएगा क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग बहुत कम ट्रैफिक, उसके लिए आपको VPS बाय करना पड़ेगा। और अगर आपका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो आपको डेडिकेटेड सर्वर बाय करना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप ब्लॉगर यूज़ करते हो तो यार आपकी वेबसाइट पर कितना भी ट्रैफिक आ जाए वो सब कुछ हेडेक है गूगल की, वो देखेगा उसका प्रोडक्ट है, वो आपकी वेबसाइट को डाउन नहीं होने देगा। तो चाहे कितना भी ट्रैफिक आ जाए, बहुत ट्रैफिक आ जाएगा तो भी कोई इशू आपकी वेबसाइट में नहीं होने वाला। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि फ्री में सिर्फ आपको नाम खरीदना है और उसके बाद आपकी वेबसाइट में बहुत ट्रैफिक आने के बाद भी आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होगी। ये तो हो गया दूसरा एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो मैं बता चुका हूँ। तीसरी चीज़ की बात कर लेते हैं, हर प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ब्लॉगर में तब जब आप चाहते हो कि यार टेम्पलेट को ना कुछ ज़्यादा मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको वो लिमिटेशंस मिलती है, मतलब आप ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप एक लिमिट तक ही यूज़ कर सकते हो किसी भी टेम्पलेट को या किसी भी चीज़ को एक लिमिट तक ही कर सकते हो। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस में जाते हो तो वर्डप्रेस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एडिटिंग करने के लिए, हर एक चीज़ के लिए बहुत सारी थीम्स मिल जाती है, मतलब अनलिमिटेड थीम्स है, बहुत थीम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, बट ब्लॉगर में बहुत कम मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 100% टेम्पलेट्स की बात की जाए तो उसमें से 10% होंगे जो ब्लॉगर में यूज़ किए जाते होंगे यानी कि ब्लॉगर के लिए बनते हैं, 90% जो टेम्पलेट्स बनते हैं वो बनते हैं वर्डप्रेस के लिए। तो यार दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, आपको ब्लॉगर में, आपको जो ब्लॉगर में मेन चीज़ होती है आपको SEO खुद करना पड़ेगा, जबकि अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो उसमें आपको कुछ प्लगइन्स मिल जाते हैं जैसे योस्ट हो गया, ऑल इन वन SEO हो गया, तो ये प्लगइन है अगर आप इनको यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन मिल जाता है और आपको एक गाइड मिल जाती है। अगर आप योस्ट यूज़ करते हो तो आपको एग्जैक्ट बता देगा कि आपका जो आर्टिकल है उसमें SEO फ्रेंडली है नहीं है, अगर आपका आर्टिकल में कुछ कमियाँ हैं तो वो भी दिखा देगा, आपको हर एक चीज़ बता देगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है क्योंकि आपको
वर्डप्रेस में बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए आपको प्लगइन मिल जाता है, लेकिन ब्लॉगर में आपको कुछ भी प्लगइन्स नहीं मिलते हैं। मतलब एक बहुत छोटे छोटे विजेट्स मिल जाएंगे आपको, जैसे कॉन्टैक्ट अस का कैलेंडर हो गया, अचीव्स हो गया, और इस टाइप के छोटे छोटे कैलेंडर्स आप छोटे छोटे विजेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे ब्लॉगर में। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है ब्लॉगर में क्या है। अगर आपकी वेबसाइट है जो डाउनलोड चीज़ से रिलेट करती है, सपोज़ मेरी कोई वेबसाइट है, मैंने एक मूवी से रिलेटेड आर्टिकल पब्लिश किया और उसमें मैंने एक डाउनलोड लिंक डाल दिया, जबकि वो डाउनलोड लिंक जेन्युइन है, वो उसी वेबसाइट से है, रिलेट करता है जो उनकी वेबसाइट है, और अगर उस पर कंपनी ने DMCA कॉपीराइट मार दिया, तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉगर में क्या होगा, गूगल उसे ऑटोमेटिकली रिमूव करके आपकी वेबसाइट का जो पोस्ट है उसको ड्राफ्ट में डाल देगा। मतलब उसे उस कंप्लेन के बाद कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि वो आपके ऑटोमेटिक ड्राफ्ट में आ जाएगा। ये इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, शायद किसी और के साथ ना हुआ हो, मेरे साथ हुआ है ब्लॉगर में। तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है ब्लॉगर में, अगर आप डाउनलोड कंटेंट पे काम करते हो तो। नेक्स्ट बात करता हूँ, अगर ये प्रॉब्लम आती है आपके वर्डप्रेस में, तो आपका जो कंटेंट है वो रिमूव नहीं होगा, ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में नहीं आएगा, ये होगा कि गूगल अपने सर्च रिजल्ट से वो हटा देगा, उसे एड्स हट जाएंगे, यही होगा, इसके अलावा तीसरी चीज़ कुछ भी नहीं होगी, जबकि यार ब्लॉगर में ये ऑटोमेटिकली हट जाता है। सेकेंड चीज़ है यार, जब भी गूगल चाहे अगर आपकी वेबसाइट में कोई पॉलिसी वायलेंट करते हैं, यानी पॉलिसी प्रॉपर फॉलो नहीं करते, तो आपकी वेबसाइट को एक मिनट भी नहीं लगेगा रिमूव करने में। तो यार ये चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, जहाँ आपको बेनिफिट मिल रहा है वहाँ लॉसेस भी हैं, बट वर्डप्रेस में जब तक आप खुद रिमूव नहीं करोगे तब तक आपकी वेबसाइट बिल्कुल सही सलामत ठीक रहेगी। अगर मैं बात करता हूँ ब्लॉगर बहुत ही सिंपल है यूज़ करना है, और आपको बहुत ही ईजिली आप ब्लॉगर को यूज़ कर सकते हो, जबकि अगर मैं बात करता हूँ वर्डप्रेस भी सिंपल है, बट अगर आपको उसमें थोड़ा बहुत आता है तो यार आपके लिए वो एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा, जिससे आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, बहुत अच्छा आप उसमें अर्न कर सकते हो, आप उसमें एडवर्टीजमेंट, तो हर एक चीज़ के लिए आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे, यानी कि आपको आप उसमें अपने अकॉर्डिंग आपको जैसी वेबसाइट चाहिए उस हिसाब से आप उसमें काम कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन लगता है मुझे वर्डप्रेस में। इसीलिए वर्डप्रेस थोड़ा सा महंगा है अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं कंपेयर करता हूँ ब्लॉगर की, बट ब्लॉगर में आपको एक चीज़ ये चीज़ सबसे बड़ी पॉजिटिव है, अगर आपको आता है SEO करना तो आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप या आपके पास एक और ऑप्शन ये बचता है कि यार आप फ्री वेबसाइट्स होती हैं जो वर्डप्रेस प्रोवाइड कराती हैं, तो आप उसमें जाके अपना आर्टिकल लिख सकते हो, फिर उसको ऑप्टिमाइज करके आप चाहो तो उस आर्टिकल को अपने ब्लॉगर की वेबसाइट में पब्लिश कर सकते हो, तो जिससे आपकी जो वेबसाइट है उसमें आपको प्रॉपर ट्रैफिक मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अपने वेबसाइट का SEO आर्टिकल SEO भी आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। बट वही आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा ब्लॉगर में, क्योंकि वो पूरा HTML बेस्ड है, तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी, लेकिन वर्डप्रेस में आपको इतना कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको अगर कोई अगर आपको अपनी वेबसाइट में SEO करना है तो उसके लिए टूल्स आएंगे, आप टूल्स इजीली यूज़ कर सकते हो। अगर आपको साइट मैप बनाना है उसके लिए आपको टूल्स मिलेंगे, आप इजीली यूज़ कर सकते हो, यानी कि प्लगइन मिलेंगे आप यूज़ कर सकते हो। आपको रोबोट TXT बनानी है, आप उसके लिए प्लगइन यूज़ कर सकते हो, हर चीज़ के लिए आपको प्लगइन मिल जाएगा। अगर आपकी इमेज का साइज़ बड़ा है आप उसे कंप्रेस कर सकते हो, उसके लिए भी प्लगइन अवेलेबल है। लेकिन अगर आप जाते हो यार ब्लॉगर में, तो ब्लॉगर में आप इमेजेस को कंप्रेस नहीं कर सकते, वो प्लगइन अवेलेबल नहीं है, सच है। जिस अभी तक मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसके दौरान मुझे अभी तक तो कोई प्लगइन नहीं पता कि ऐसा भी कोई प्लगइन होता है ब्लॉगर में जो इमेज को कंप्रेस कर देता है, जो भी आपके वेबसाइट में ऑलरेडी अपलोडेड इमेजेस हैं। तो ये भी हो गए एक नेगेटिव जो पॉइंट है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है नेगेटिव ब्लॉगर में। बाकी तो यार सब कुछ ठीक है, और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले स्टार्ट कीजिए ब्लॉगर से, एक दो महीने देखिए कि आप कितने कंसिस्टेंसी के साथ काम कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि यार हाँ मैं कर लूँगा तो फिर आप ब्लॉगर में शिफ्ट हो सकते हो। आपको एक शिफ्टिंग से याद आया कि एक और ऑप्शन भी बताया था, आप ब्लॉगर से इजीली आप वर्डप्रेस में शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन वर्डप्रेस से जब आप ब्लॉगर बनाते हो तो काफ़ी इशू आता है उस चीज़ में भी काफ़ी इशू आता है। जब आप कंटेंट अपलोड करते हो थोड़ा बहुत इशू आता है, लेकिन अगर आप ब्लॉगर से वर्डप्रेस में जाते हो उसके लिए भी प्लगइन मिलते हैं, 3 प्लगइन आते हैं। अगर आप उन तीनों को यूज़ करोगे बहुत इजीली आप अपनी वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हो ब्लॉगर से वर्डप्रेस में। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप करना चाहो तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। तो ये दो चीज़ मैं बता चुका हूँ जो मेजर प्रॉब्लम्स मेरे को लगे, प्रॉस कॉन्स जो मेरे को लगे ब्लॉगर में और वर्डप्रेस में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। मैंने आपको बता चुका हूँ पेड होता है और इसका जो ट्रैफिक अनलिमिटेड है, थीम्स
हो गया, SEO टूल्स हो गया, लॉट्स ऑफ प्लगइन हो गया, सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई हो इसमें। अगर आपको लगता है मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो यार मेरे को नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और काफ़ी लोगों के मन में ना एक बहुत बड़ा डाउट होता है, डाउट ये होता है कि यार वो बोलते हैं कि यार हम जो एडसेंस होता है वो अगर हम ब्लॉगर में लगाते हैं तो हमें रेवेन्यू कम मिलता है, जबकि हम उसी एडसेंस को यानी उसी एड को अगर हम वर्डप्रेस में लगाते तो रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है। ये कोई भी सही बात नहीं है, ये बिल्कुल भी मेरे को सही नहीं लगता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होती है, जो आपका लेआउट होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ में। अगर आपका लेआउट प्रॉपर है तो आपको क्लिक्स के पैसे उतने ही मिलेंगे, आपके कीवर्ड प्रॉपर हैं तो आपको पैसे प्रॉपर मिलेंगे, जो उसमें वर्डप्रेस में मिलेगा वही आपको ब्लॉगर में मिलेगा। इसी से इतना मतलब मत सोचो यार, इतना कुछ होता नहीं है एज सच, मेरे को तो कुछ नहीं पता ऐसा कि ऐसा भी कुछ होता होगा। अगर आपको ट्रैफिक US से मिल रहा है, अगर आपको ब्लॉगर में 2 रुपये एक क्लिक का मिल रहा है तो आप वर्डप्रेस में कभी काम करोगे तो 2 रुपये ही मिलेगा आपको, 1 रुपये भी एक्स्ट्रा या 1 रुपये भी कम नहीं मिलेगा। बट कंटेंट, आपके कंटेंट के ऊपर बात होती है, आपके ट्रैफिक के ऊपर बात होती है, आपका किस कंट्री से ट्रैफिक, आपका किस कीवर्ड पे ट्रैफिक है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें सही हैं और फिर तो यार आपको पैसे छापने से कोई नहीं रोक सकता। तो यार बस यही सब कुछ था इस वीडियो में जो मुझे लगा आप लोगों के साथ करना चाहिए शेयर, मैंने कर दिया शेयर। अगर वीडियो आई है पसंद तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, कर दीजिए कमेंट, और यार अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, घंटी के बटन को दबा देना। और यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।